गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का मीनिंग जैसे हमने किया और हमने कहा कि अंडरलाइंग एसेट से वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है। तो आप देखेंगे कि जब हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो जब हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की, तो जो भी उसका नाम दिया गया है वो जो भी उसकी अंडरलाइंग एसेट है उससे डिपिक्ट हो जाता है कि वहाँ पर डेरिवेटिव्स जो है वो किस चीज़ का डेरिवेटिव है। तो शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेन, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, मेन फोर टाइप्स हैं: फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। इसके अलावा जो फर्दर हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं दैट इज़ वारंट्स, कन्वर्टेबल्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स में। फ्यूचर्स हमारे पास दो तरीके के हैं, कमोडिटी और फाइनेंशियल। तो जैसे फ्यूचर डेरिवेटिव है कमोडिटिव, अगर हम बोल रहे हैं कि कमोडिटी फ्यूचर्स तो मतलब जो अंडरलाइंग एसेट है वो कोई कमोडिटी है। अगर हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्यूचर तो मतलब जो अंडरलाइंग एसेट है वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरीके से जैसे हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को डिवाइड किया है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में और करेंसी फ्यूचर में। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में जो अंडरलाइंग एसेट है वो स्टॉक इंडेक्स हो गई, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में जो अंडरलाइंग एसेट है वो इंटरेस्ट रेट हो गया किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, करेंसी फ्यूचर्स में जो अंडरलाइंग एसेट है वो करेंसी हो गई। देन फॉरवर्ड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेडी डिलीवरी एंड स्पेसिफिक डिलीवरी में। ऑप्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में। स्वैप्स को हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स और डेप्ट इक्विटी स्वैप्स में डिवाइड किया। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को हमने डिवाइड किया कूपन स्वैप्स, बेसिस स्वैप्स एंड बॉन्ड स्वैप्स में। बॉन्ड स्वैप्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टैक्स स्वैप्स, स्वैप विद टाइमिंग मिसमैचेस, स्वैप विद ऑप्शंस लाइक पे ऑफ्स, इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप्स एंड सब्स्टिट्यूशन स्वैप्स में। देन क्रेडिट डेरिवेटिव्स को हमने डिवाइड किया टोटल रिटर्न स्वैप्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट एंड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस में। तो शुरू करते हैं इनको डिटेल में समझना। सबसे पहला जो हमारा है दैट इज फ्यूचर। जो मोस्ट कॉमन टाइप है डेरिवेटिव्स की दैट इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता क्या है, फ्यूचर्स ये डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव है जहाँ पे दो पार्टीज जो हैं वो एग्रीमेंट कर रही हैं फॉर सेल ऑफ एन एसेट एट एन एग्रीड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। वही जो हमने डेरिवेटिव के मीनिंग में किया कि एग्रीमेंट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में सेल से रिलेटेड, सेलिंग एंड बाइंग से रिलेटेड, एग्रीड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एट अ ऑन अ फ्यूचर डेट, कि फ्यूचर डेट में आप उस एग्रीमेंट को फुलफिल आपने करना है उसका जो अंडरलाइंग एसेट है उसके प्राइस के बेसिस पे, और प्री डिटरमाइंड प्राइस जिसके लिए आप प्राइस जो है आज डिसाइड कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज जहां पर आप एग्रीमेंट कर रहे हो फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एन एसेट एट एन एग्रीड प्राइस या एट एन प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। यहाँ पे जो सेलर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का उसे हम राइटर या शॉर्ट्स कहते हैं, और जो बायर है उसे हम लॉन्ग्स कहते हैं। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें क्वांटिटी, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, प्लेस फॉर सेटलमेंट सब कुछ मेंशन होता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का ट्रेडिंग साइकिल होता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका थर्ड मंथ है उसका जो भी लास्ट थर्सडे होगा उसको वो एक्सपायर हो जाते हैं। जो लास्ट थर्सडे है अगर वो ट्रेडिंग हॉलीडे है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दिन पहले एक्सपायर हो जाएगा। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर हम एट प्रेजेंट कहें तो सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 162 सिक्योरिटीज में वो अवेलेबल है। जो वैल्यू है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ की वो लेस देन नहीं होनी चाहिए 2 लाख रुपीज़ की से एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर फर्स्ट टाइम आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो एट एनी एक्सचेंज इन इंडिया। जो फ्यूचर्स है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
पहला है कॉमोडिटी फ्यूचर्स और दूसरा है फाइनेंशियल फ्यूचर्स। कॉमोडिटी फ्यूचर्स क्या है? एग्रीमेंट हो रहा है बायर और सेलर के बीच में परचेजिंग और सेलिंग को लेके, और जो अंडरलाइंग एसेट क्या है वो एक कॉमोडिटी है एट अ प्राइस एट अ गिवन टाइम। जो प्राइस है वो स्पेसिफाइड उस डेट ऑफ एग्रीमेंट को आप कर देते हो जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो, प्री डिटरमाइंड प्राइस हो गया। तो कॉमोडिटी कुछ भी हो सकती है, कॉमोडिटी आपका कोल हो सकता है, हल्दी हो सकती है, चना हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉमोडिटी आपका। देन नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर्स। ये एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में, वही जो फ्यूचर का मीनिंग है वो एग्जैक्ट सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में परचेज और सेल करने का पर्टिकुलर सिक्योरिटी को एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। जो प्राइस है फिक्स आपने एडवांस में कर लिया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जो फाइनेंशियल फ्यूचर्स है उसे हम फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड करेंसी फ्यूचर्स। जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड होता है ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी। जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर है उसे आप यूज कर सकते हो रिस्क कम करने के लिए, जिसे हम हेजिंग कहते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है उसमें जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज हैं वो आपके अंडरलाइंग एसेट हो सकती है। तो एग्रीमेंट जो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट किसी भी फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी की, वो हमारी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हो गई। इसे आप यूज़ कर सकते हो हेजिंग के लिए अगेंस्ट द रिस्क। रिस्क किस चीज़ का? कि इंटरेस्ट रेट है वो नीचे ना चला जाए। नेक्स्ट है आपका करेंसी फ्यूचर्स, इसे हम फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स भी कहते हैं। और जो फ्यूचर है वो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक्सचेंज करोगे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एट अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर और उस प्राइस पे जो आपने पहले से डिसाइड किया है, जिस डेट को आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो फ्यूचर है आप यूज़ कर सकते हैं हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए। इंडिया में जो सेबी है उसने अलाउ किया है बीएससी और एनएससी को कि वो ऑर्गेनाइज कर सकती है फ्यूचर ट्रेडिंग इंडिया में। जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हुआ करती थी पहले, जो रिस्पॉन्सिबल थी कमोडिटी ट्रेडिंग को देखने के लिए, लेकिन अब जो ये एफएमसी है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जिसे कहते हैं, उसे मर्ज कर दिया गया है सेबी के साथ। और जो क्लियरिंग हाउस है एक्सचेंज की, वो गारंटी करते हैं कि जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे परफॉर्मेंस हर एक पार्टी करेगी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म हर एक पार्टी करेगी, उससे बैक आउट वो नहीं कर सकती है। एक्सचेंज डिटरमाइन करता है मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस से। मार्जिन्स क्या होते हैं यहाँ पे समझना जरूरी है। जब आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि हमने कहा कि फ्यूचर्स क्या है, आपके स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने जो ये डिसाइड किया कि सपोज़ हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने कहा कि आप 100 केजीज आप जो भी प्रोडक्ट है, जो भी अंडरलाइंग एसेट है, 100 केजीज व्हीट आप सेल करेंगे एट अ प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़ पर केजी। तो 100 केजीज व्हीट हो गया और एट अ प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपने जो ये 1000 रुपीज़ पर केजी डिसाइड किया और जो प्राइस है अंडरलाइंग एसेट का वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जो बायर है और जो सेलर है दोनों ही कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ अमाउंट उस अमाउंट का, जैसे 100 इंटू 1000 रुपीज़ हुआ तो 100 इंटू 1000 कितना हुआ, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख का कुछ सर्टेन परसेंटेज जिसे हम मार्जिन कह रहे हैं, बायर भी और सेलर भी उसे डिपॉजिट करवाएगा जो एक्सचेंज है, जो क्लियरिंग हाउस है एक्सचेंज का, उसके पास, ताकि कोई भी आगे जाके उस ट्रांजेक्शन से बैकआउट ना कर सके। तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है प्राइस अंडरलाइंग एसेट का, उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे जो फ्यूचर है अगर इंक्रीज हो जाता है तो जो प्राइस है
जो फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइसेस अगर होता है तो डिक्रीज हो जाएगा मार्जिन बायर्स के लिए, जबकि अगर इंक्रीज होता है तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है सेलर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मार्जिन ड्रॉप कर जाता है, जो इनिशियल मार्जिन था उससे 70-80% वो ड्रॉप कर जाता है, तो जो इन्वेस्टर है उसे एडिशनल कैश जमा करवाना पड़ता है मार्जिन रिक्वायरमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। तो जो बेनिफिट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का वो क्या है, आप हेजिंग कर सकते हो, जो हेजिंग मतलब आप अपने आप को किसी रिस्क से बचा रहे हो। रिस्क किस सेंस में, सपोज मैं कहती हूँ एक कंपनी है, कंपनीज भी जो है वो फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में जो है डील करती हैं। सपोज कंपनी है वो जो अंडरलाइंग एसेट है वो पोटैटो हम लेते हैं कि चिप्स की कंपनी है, चिप्स बनाती है, तो पोटैटो से लगता है कि फ्यूचर में एक महीने बाद पोटैटो की शॉर्टेज होने वाली है तो मुझे पोटैटो खरीद लेने चाहिए, तो उसके लिए वो हेजिंग कर सकती है कि उसे सप्लाई हो सकता है फ्यूचर में ना मिले पोटैटोज की, तो अपने आप को उस रिस्क से बचाने के लिए कि सप्लाई नहीं मिलेगी, उस रिस्क से बचाने के लिए वो फ्यूचर्स खरीद लेती है। अब फ्यूचर्स हो गया तो जो भी पार्टी उसमें एंटर करेगी दूसरी पार्टी, इसका मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होगा, तो उसे पोटैटोस उसे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, हेज किया, अपने आप को रिस्क से बचाया। तो हेजिंग जो है बेनिफिट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ये अलाउ करता है हेजर्स को कि वो अपना रिस्क जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं स्पेक्यूलेटर्स के ऊपर। देन मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है स्पेक्यूलेटर्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं बाय पेइंग अ स्मॉल मार्जिन। एंटायर वैल्यू ऑफ स्टॉक उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्मॉल मार्जिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का पे करके वो स्पेक्यूलेट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर रेट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में फ्यूचर प्राइसेस, जो करंट फ्यूचर प्राइसेस के बेसिस पर होंगे अंडरलाइंग एसेट के। देन आर्बिट्रेज आप हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है इन आर्बिट्रेज ऑफ स्टॉक प्राइसेस। देन नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स क्या है वही चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है फ्यूचर डेट पे, डेट के लिए, और एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि जो फ्यूचर्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे आप जाके उसे प्रॉपर रजिस्टर होता है वो, जबकि जो फॉरवर्ड्स होते हैं, फॉरवर्ड्स प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, और ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। तो कोई भी मनी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती अनटिल मैच्योरिटी, जबकि फ्यूचर्स में आप मार्जिन जमा करवाते हो क्लियरिंग हाउस के पास। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी एसेट के ऊपर वो क्या है, एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज की वो एक्सचेंज करेंगे कैश अंडरलाइंग एसेट के लिए एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ प्री डिटरमाइंड डेट। डेट भी प्री डिटरमाइंड होती है, मतलब फ्यूचर डेट जो है वो भी डिसाइड हो पहले से होगी, और जो फ्यूचर प्राइस है वो भी पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आप एग्रीमेंट करते हो। जनरली फिजिकल डिलीवरी अंडरलाइंग एसेट की यहाँ पे नहीं होती, बल्कि जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है आप उसमें डील करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड नहीं होते, इनमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। जो वैल्यू है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1954। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स और जो पेमेंट है प्राइसेस का वो इमीडिएटली करना है, या विद इन पीरियड ऑफ 11 डेज जब डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके आपको करना है। आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 डेज आपको मिलते हैं जो डिलीवरी है और जो प्राइस है वो पे करने के लिए पार्टी को। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आप एक्चुअल डिलीवरी स्पेसिफिक क्वालिटी या टाइप ऑफ गुड की ड्यूरिंग स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट करते हो एट अ प्राइस फिक्स्ड जो आपने पहले से किया है। जो स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रांसफरेबल भी हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल भी होता है। अगर राइट्स और लाइबिलिटीज जो इंक्लूडेड है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो नॉट ट्रांसफरेबल है तो वो नॉन ट्रांसफरेबल कहलाएंगे, अगर राइट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफरेबल है तो वो ट्रांसफरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे।
नेक्स्ट से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।